मैं उपेन यादव बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आप सबका स्वागत है। तमाम उन भर्तियों के मुद्दों के लेकर आपके बीच में मैं लाइव हूं। मैं जाना बताना चाहूंगा आपको, जो लगातार भर्तियों के परिणाम को लेकर आपकी आशंकाएं थी, आपने देखा होगा कल सेकंड ग्रेड का परिणाम आने शुरू हो गए हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आप जो आरपीएससी के अधीनस्थ बोर्ड के तमाम परिणाम आ चुके हैं, लेकिन विद्युत विभाग का हेल्पर 2 का परिणाम अटका पड़ा है, एसआई का अटका पड़ा है, और तमाम वो भर्तियां जिनकी परीक्षा स्थगित हो गई थी उनकी परीक्षा कब होगी, सबके दिल में सवाल है और अब जिज्ञासा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भी और कल भी लगातार हम प्रयास कर रहे थे हेल्पर 2 के लिए। सबसे पहले बताना चाहूंगा जो विद्युत विभाग के हेल्पर 2 है उसकी फाइल आज निरंजन आर्य जी ने वापस भेज दी है। आज शाम तक या कल सुबह तक विद्युत विभाग वो फाइल ले जाएगी, उसके एक या दो दिन बाद परिणाम जारी हो जाएगा, यानी कि कल फाइल विद्युत विभाग में चली जाएगी, उसके बाद आपका परिणाम एक या दो दिन वो लगाएंगे जारी करने में। जो दोबारा से जो 94 पोस्ट जो एमबीसी की जो इंक्लूड की गई थी, जिसकी स्वीकृति मांगी गई थी, तो कल विद्युत विभाग में जाएगी, उस फाइल को निकलवाना पड़ा। कई चैनल है, लोग ये सोचते हैं कि फाइल ऐसे ही निकल जाती है, ऐसे नहीं निकलती। ज्वाइंट सेक्रेटरी है मेवाराम जी थे, सुधीर शर्मा जी थे, फिर निरंजन आर्यन जी फाइनेंस सेक्रेटरी थे, सब जगह से निवेदन करके आज फाइल को हरी झंडी मिली है, कल तक वहां पहुंचेगी, उसके बाद आपका परिणाम आ जाएगा। हेल्पर 2 के अभ्यर्थियों के लिए विशेष सूचना। इसके अलावा जो एसआई परिणाम जो हेल्पर 2 की फाइल कल तक चली जाएगी आ जाएगी, लेकिन इसके अलावा अधीनस्थ बोर्ड के 7 भर्ती परीक्षाओं का परिणाम आ गया। अब सवाल है कि जो पुस्तकालय अध्यक्ष है, स्टेनोग्राफर है, इसके अलावा जो फार्मेसिस्ट की जो 3 भर्ती अधीनस्थ बोर्ड के, इसके अलावा जो फर्स्ट ग्रेड जो आरपीएससी के, दोस्तों अभी जो तमाम परीक्षा परिणामों को लेकर मेरे ऊपर भी बहुत बड़ा दबाव होता है। एक मिनट का एक कॉल आता, लेकिन परिणाम है सेकंड ग्रेड का, हेल्पर का, एसआई का परिणाम आते ही मैं प्रयास अभी भी मैं सीएम सचिव साहब से मिला था, मैंने कॉल भी करवाया था कि जल्द से जल्द जो फर्स्ट ग्रेड की जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि परीक्षा कब होगी, तो वो कम से कम उसके आवेदन तो लिए जाए, और चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे आरपीएस हो, आवेदन प्रक्रिया पूरी हो और उसके बाद जो परीक्षा तिथि जारी हो आवेदन के बाद, जिससे बेरोजगारों को राहत मिले। तो उन्होंने कहा कि इस पे आरपीएससी भी निर्णय लेगी, बोर्ड भी लेगी। अब मैं एक दो दिन में अधीनस्थ बोर्ड में फिर बीएल जाटा हूँ जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि अभी अधीनस्थ बोर्ड की एंटिटी है और एक दो और एग्जाम उनका परिणाम नहीं आया है, और इसके अलावा मैं आरपीएससी के लिए दोबारा मैं एक बार स्पेशल डिप्टी सीएम या सीएम साहब सचिव के वहां से कॉल करवा कर कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द फर्स्ट ग्रेड वाला जो परीक्षा तिथि हो चाहे आवेदन प्रक्रिया वो हो, वो मेरी नजर में है। लेकिन अभी जैसे आज मैं पूरे दिन पर थे हेल्पर 2 के लिए गया, फिर एसआई के लिए गया, और फिर शिक्षक भर्ती 2013 का भी एक प्रकरण था जिनका स्थायीकरण होना था, तो लगातार प्रयास कर रहा हूँ। एक इंसान है लेकिन पूरा प्रयास मेरा रहता है कि हर व्यक्ति को कुछ कभी मिले। हालांकि आपको पता है